हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एबिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 23 और 24 सितंबर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली कल संडे था तो इतनी कुछ खास न्यूज़ है नहीं, बट जो भी न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे बेसिकली कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वह है नीला कुरंजी प्लांट के बारे में। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या इसके फीचर्स हैं और अभी ये न्यूज़ में क्यों हाईलाइट वगैरह चल रहा है। देखो, जो नीला कुरंजी ये प्लांट है ये बेसिकली साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया में कौन कौन से एरियाज में पाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे अहम बात क्या है कि ये जो नीला कुरंजी प्लांट है इसके 12 साल में एक बार फूल है वो आते हैं ब्लू कलर के, ये इसे इसका नाम नीला कुरंजी नाम है वो रखा गया है। बेसिकली इसे कुरंजी नाम से भी जाना जाता है। तो कई पिछले साल भी इसके बारे में नीला कुरंजी ब्लूम आया था तो काफ़ी हमारे इसके बारे में न्यूज़ में थी। और अभी भी रिसेंटली इसको लेके कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस नीला कुरंजी प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए अभियान है, मिशन है वो चलाए हैं। तो इसीलिए ये प्लांट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम एक तरीके को बोलें तो ये एक तरीके की श्रब, मतलब एक झाड़ी की टाइप का पौधा है वो होता है जो कि सोला फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन तो जैसे यूपीएससी स्टेटमेंट में ऐसे पूछ सकती है कि नीला कुरंजी प्लांट है वो सोला फॉरेस्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि सोला फॉरेस्ट है कहाँ पे, साउथ इंडिया के अंदर, बेसिकली है वेस्टर्न घाट के अंतर्गत। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब ये नीला कुरंजी प्लांट वो पाया कौन कौन से एरिया में जाता है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह केवल और केवल इंडिया वाले एरिया में ही पाया जाता है। तो हम इसकी बात करें कि कौन कौन से एरियाज में है, तो यह बेसिकली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है नॉर्मली। अब वेस्टर्न घाट में कार्डमम की हिल्स भी हैं, नीलगिरी हिल्स भी हैं, अन्नामलाई हिल्स भी हैं, तो उन वाले एरियाज में। अब देखो, वेस्टर्न घाट के अंदर साउथ वाले हिस्से में बात करें मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, इन स्टेट में बेसिकली यह पाया जाता है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी पूछ सकती है यह केवल और केवल तमिलनाडु में पाया जाता है, यह केवल कर्नाटका में पाया जाता है, यह केवल केरल में पाया जाता है, तो जी ऐसा नहीं है, यह इन तीनों स्टेट्स में बेसिकली पाया जाता है। इसी के साथ ईस्टर्न घाट के जो सेवाराय हिल्स है ना उनमें भी यह पाया हो जाता है, तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। मतलब ओनली वेस्टर्न घाट आता है स्टेटमेंट में तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्टर्न घाट में की सेवाराय हिल्स में भी यह बेसिकली पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पर्पल ब्लू कलर के इसके फूल हैं वो आते हैं, 12 साल में एक बार इसके फूल है वो खिलते हैं, तो इसलिए न्यूज़ में भी रहता है। अहम बात करें हम IUCN की, तो यह IUCN की जो प्रोटेक्शन की लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको शामिल है वो किया गया है। इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और है वो ये है कि जो तमिलनाडु का एरिया या तमिलनाडु में एक ट्राइब है जिसका नाम हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखना है, वो है पालियान ट्राइब। ये जो पालियान ट्राइब है ये बेसिकली जहाँ पे नीलगिरी जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या आप बोल सकते हो कि नीरा गुरुजी प्लांट पाए जाते हैं उन्हीं एरियो में रहते हैं और इनकी जो फूल आते हैं इनके आधार पे वो बेसिकली अपनी एज को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम इतने साल वगैरह के हो गए हैं। तो हाँ, यूपीएससी पूछ सकती है पालियान ट्राइब के बारे में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि पालियान ट्राइब है वो बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग है वो करती है। यूपीएससी 2-3 स्टेटमेंट दे सकती है या मेज द फॉलोइंग में ट्राइब के बारे में बेसिकली क्वेश्चन से वो पूछती है, तो वहां हमें ये फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वुमेन सेफ्टी के लिए। देखो, गवर्नमेंट ने अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी हेल्प से अभी 2 पोर्टल हैं वो बनाए गए हैं वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। कौन कौन से 2 पोर्टल है पहले तो हम देखते हैं और दोनों ही पोर्टलों को हम जानेंगे कि कौन से पोर्टल का क्या क्या काम है। सबसे पहले एक पोर्टल है वो है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, CCPWC। देखो, एक पोर्टल ये बनाया गया है चाइल्ड क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस। दूसरा पोर्टल है वो है नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, NDSO। अब दोनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो पहला पोर्टल है CCPWC साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे कोई भी ऐसी चीज मिल रही हो या कोई वीडियो मिल रहा हो, आपत्तिजनक ऐसा सामान मिल रहा हो, तो उसको आप गवर्नमेंट को मतलब एक तरीके से अवेयर कर सकते हो कि देखो यहाँ आपत्तिजनक सामान है या ये आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है जो कहीं ना कहीं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए सही नहीं है या फिर वुमेन की मतलब आप बोल सकते हो कि आइडेंटिटी के लिए सही नहीं है। जैसे कि आप बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई या फिर कोई सेक्सुअल अब्यूज का कोई ऐसा केस है या फिर कोई रेप वगैरह का वीडियो डाल रखा हो या फिर हम एक तरीके की बात करें कि कोई भी ऐसा मतलब ऐसी चीज हो या सेक्सुअल जिसमें हरासमेंट फील हो रहा हो, वुमेन की डिग्निटी के लिए सही नहीं हो, ऐसा अगर कंटेंट आपको कहीं भी मिलता है तो कोई भी पर्सन है वो एक्चुअली इसको दर्ज करवा सकता है कि इस साइट पे ऐसा कंटेंट है, तो फिर गवर्नमेंट उसको ब्लॉक है वो कर देगी।
तो ये आपको ध्यान है वो रखना है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे देखो बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है ना वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी, क्योंकि सिविल सोसाइटी की एक अहम जिम्मेदारी होती है कि वह अपने लिए और अपने जो वुमेन है उनको एक तरीके से सेफ्टी है वो प्रोवाइड करवाए, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा पहल की गई है ताकि सिविल सोसाइटी की हेल्प से जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी आम नागरिक है उसको कहीं भी, जैसे मान लो कि कोई भी वेबसाइट है xyz.com, उस वेबसाइट पर आपको कोई भी ऐसा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई कंटेंट मिला हो, या फिर वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट का कोई ऐसा केस हो, या फिर कोई रेप वगैरह का वीडियो हो, या फिर गैंग रेप वगैरह से संबंधित कोई भी ऐसा कंटेंट हो तो उसके बारे में आप बता सकते हो, तो गवर्नमेंट उसको ब्लॉक है वो कर देगी। जो उसको ब्लॉक वगैरह करने का काम है, फिर ऐसा कंटेंट के ऊपर मतलब कोई भी एक्शन लेने का काम है, वो किया जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। बेसिकली दोनों ही जो पोर्टल हैं ये पोर्नो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा मैनेज है वो किए जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा पोर्टल। दूसरा जो पोर्टल है वो है नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। देखो नाम से पता चल रहा है नेशनल डाटाबेस मतलब एक डाटाबेस, एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, एक नेशनल रजिस्ट्री तैयार की जा रही है सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए, मतलब वो लोग जिन्होंने क्राइम किया हो, मतलब जो लोग के दोषी हैं उन लोगों का एक डाटाबेस है वो क्रिएट किया जाएगा, जिन्होंने क्राइम किया है, और एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई इन लोगों ने क्राइम किया है और इनको सजा होनी चाहिए, तो जो भी दोषी लोग हैं उनका एक डाटाबेस है वो तैयार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि तो दोषी लोग होते हैं ना वो क्राइम करते हैं, जेल में रहते हैं 2 4 महीने 1 2 साल, और फिर क्या है कि जो ही जेल से निकलते हैं वापस क्राइम करते हैं, तो फिर जब वापस अगर क्राइम करते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, पता नहीं चलता उनके बारे में। तो अगर उनका डाटाबेस तैयार होगा तो फायदा क्या होगा, जो ही अगर उन्होंने दोबारा क्राइम किया पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो डाटाबेस से पता चल जाएगा कि भाई इस इंसान ने तो पहले भी कांड है वो किए हैं, तो इसको सजा और भी स्ट्रॉन्ग होनी, मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए, और इसको ज्यादा एक तरीके से मतलब एक हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादा फोकस करने की बात है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी ऐसे आरोपी हैं उनका डाटाबेस है वो तैयार किया जाएगा, जैसे उनका एड्रेस वगैरह है उसके बारे में, या फिर उन्होंने किस तरीके का फिंगरप्रिंट वगैरह वो उनसे लिए जाएंगे, मतलब एक तरीके से उनका डाटाबेस रहेगा ताकि गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई है वो कर सके। बट अहम बात यह है कि ये जो पोर्टल बनाया जाएगा नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वाला, ये आम लोगों के लिए नहीं है, यह केवल गवर्नमेंट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे पुलिस वगैरह है वो ही इसका यूज है वो कर सकती हैं, क्योंकि इसमें काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट किसी की डिग्निटी को या किसी की आइडेंटिटी को, राइट टू प्राइवेसी का हनन कर सके, तो इसीलिए ये केवल गवर्नमेंट मतलब जहां भी कोई क्राइम वगैरह हो रहा है वहां पर इसी डाटा का यूज है वो किया जाएगा। जो लोग आदतन अपराधी हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी, गैंगरेप के जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं सीरियल किलर बोल सकते हो, या फिर आप मतलब लगातार क्राइम करते रहते हैं उन लोगों पे इस पे लगाम है वो लगाई जाएगी। इसके साथ ही जैसे में 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, एक तो ये इसमें प्रावधान किया गया कि 15 साल तक कंटेंट रखा जाएगा, एक रखा जाएगा 25 साल तक कंटेंट रखा जाएगा, और एक लाइफ टाइम। मतलब जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जिसने मतलब बहुत लो लेवल का क्राइम किया है, मतलब जैसे मान लो कि सब गलती से हो जो भी हो उसने छोटा सा क्राइम किया है, तो उसका जो डाटा है वो लगभग 15 साल तक गवर्नमेंट इस पोर्टल पे स्टोर है वो रखेगी। एक ही है कि जिन्होंने थोड़ा मॉडर्न क्राइम किया है सोसाइटी के नज़रिए से उनका डाटा है गवर्नमेंट 25 साल तक के लिए रखेगी, और एक वो जो कि सीरियल आदत हो गई है उन लोगों को कि भाई उनका तो बिजनेस ही बन चुका है, उनकी आदत है क्राइम करना, उन लोगों का डाटा बेस है वो लाइफ टाइम के लिए रखा जाएगा। जैसे कि किसी ने गैंगरेप वगैरह किया तो ऐसे आरोपियों की सजा यहाँ पर कंटेंट है वो रखा जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे इसकी पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ध्यान ये रखना है कि जो ये दोनों ही पोर्टल है NDSO और CCPWC, ये दोनों ही पोर्टल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा मैनेज्ड है या इम्प्लीमेंट है वो किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है स्वदेशी GPS मॉड्यूल के द्वारा। देखो हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की है काफ़ी बार कि इंडिया ने अपना खुद का GPS सिस्टम बनाया है जिसका नाम है IRNS, या फिर हम इसे नाविक के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अभी जो ये इंडिया ने अपना GPS सिस्टम बनाया है इसको सेटेलाइट तो इंडिया ने लॉन्च कर दिए, बट भाई वो सेटेलाइट लॉन्च होने के बाद उनका हमें यूज़ तो करना है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हमें फ़ोन वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ में तो उसका एप्लीकेशन वगैरह होना चाहिए, तो उसी के लिए एक स्वदेशी मॉड्यूल है GPS का मॉड्यूल है वो अभी इंडिया ने लॉन्च है वो किया है। तो इंडिया ने अपना पहला स्वदेशी GPS मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है UTRAQ। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि UTRAQ है क्या, UPSC पूछ सकती है कि क्या है, कोई सेटेलाइट वगैरह है, मिसाइल वगैरह क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इंडिया का जो IRNSS या फिर नाविक जो बनाया था उसकी हेल्प से जो लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे या फिर किसी भी हमें एरिया का पता करना है तो वो पता किया जाएगा इस एप्लीकेशन या इस मॉड्यूल की हेल्प से।
तो बस ये छोटी सी इसमें न्यूज़ है वो थी कि लोकेशन का पता कर सकते हैं, रेंज वगैरह उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने अभी प्लान किया है कि 2019 तक इंडिया स्वदेशी, ध्यान रखना स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो बनेगा, कहाँ पे? तमिलनाडु के कलपकम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु के कलपकम में बेसिकली इंडिया है वो अपना पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो बनाने जा रहा है। किसके हेल्प से? इंडिया बना रहा है, इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च IGCAR, इसकी हेल्प से बेसिकली इस रिएक्टर को बनाया हो जा रहा है। अब देखो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, हमने देख लिया कि तमिलनाडु के कलापक्कम में, ठीक है, एक तो ये फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि इसमें होगा क्या, इसमें मेन चीज ये होगी कि सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन होगी। देखो जब भी न्यूक्लियर प्लांट जो रिएक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हम जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो यूरेनियम वगैरह होता है या जो भी फ्यूल होता है, यूरेनियम हो या प्लूटोनियम हो, जब वो एक तरीके से उसमें फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, मतलब विखंडन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से प्रोसीजर है वो चलती है। तो उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उनकी जो प्रोसीजर होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये दो से चार, चार से आठ, ये जो प्रोसीजर बन रही है इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है न्यूट्रॉन्स का। अब न्यूट्रॉन्स को पहले तो क्या है, बाहर से यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो आप बोल सकते हैं कि लेड की, ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं उनका यूज़ किया जाता है ताकि इस न्यूट्रॉन्स वगैरह, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको अट्रैक्ट किया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं सीधी सी बात बोलूँ तो इसके अंदर जो भी नाभिक विखंडन हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन्स का यूज है वो किया जाता है। तो अभी तक तो क्या मेथड होता था कि बाहर से न्यूट्रॉन की छड़े डाली जाती थी और उसकी हेल्प से कंट्रोल है वो किया जाता था। पर जो ये नया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन होगी। मतलब इसके अंदर हमें बाहर से न्यूट्रॉन डालने की जरूरत नहीं होगी, केवल अंदर ही ऑटोमेटिक तरीके से जो विखंडन होगा वो अपने आप रेगुलेटेड होगा, तो इससे नुकसान नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम हो जाएगा। ये तो इसमें एक फीचर है वो रखा गया है। इसके साथ ही अहम बात यह है कि इसमें जो कूलेंट का यूज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है सोडियम का, सोडियम है वो इसमें कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। और फ्यूल की बात करें तो इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो मैक्स फ्यूल होता है, मॉक्स फ्यूल, उसको बेसिकली यूज़ है वो किया जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अकेला यूरेनियम नहीं है इसमें, यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का जो मिक्स फॉर्म है उसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ है वो किया जाएगा ईंधन के तौर पे। और जो इसकी कैपेसिटी है तमिलनाडु के कलापक्कम पावर प्लांट की वो होगी 500 मेगावाट। तो उसके बारे में कुछ की फीचर्स थे जो हमें ध्यान में रखने हैं। कूलेंट आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है कूलेंट के बारे में स्पेसिफिकली। देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है गगनयान मिशन को लेके। गगनयान मिशन इस साल काफ़ी सुर्खियों में रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जब लाल किले से स्पीच दिया था तो उस दौरान इसके बारे में बात है वो कही गई थी। तो देखो जब भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर या बात करें जैसे प्रेसिडेंट साहब की कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट स्पीच दिया जा रहा हो किसी उपलक्ष में, जैसे कि 26 जनवरी की बात हो या फिर 15 अगस्त की बात हो, तो ऐसे मौके पर वो अपने स्पीच में जिन कीवर्ड्स का या जिन प्रोजेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनकी स्पीच से ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ सुनाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने स्पीच में गगनयान मिशन के बारे में बात की तो हमारे लिए गगनयान स्पीच है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस बात का कुछ ना कुछ तो वेटेज है। मतलब इंडिया कुछ ना कुछ तो बहुत बड़े लेवल पे काम है वो कर रहा है। तो इसीलिए हमें जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, जैसे कि आप जो RSTV है चैनल है उसकी न्यूज़ वगैरह है वहाँ से आप न्यूज़ वगैरह को कलेक्ट है वो कर सकते हो क्योंकि वहाँ से हमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। बाकी देखो हम बात करें आज के टाइम के जो मीडिया चैनल्स की, वो आपको पता है कि काफ़ी बेस्ट रहते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें वहाँ पे हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए बेटर है कि जो भी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्स हैं जैसे कि RSTV हो गया या फिर हम बात करें PIB हो गया, वहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और उसी डाटा को, उन्हीं आंकड़ों को हमें यूज़ करते हुए एग्जाम में बेनिफिट है वो मिलेगा। तो हमें जो ऑथेंटिक डाटा है उन्हीं को यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आज तक वाले क्या कह रहे हैं, कल तक वाले क्या कह रहे हैं, हम उनकी बातों पर फोकस कर रहे हैं। हमें इन फोकस इस चीज़ पे करना है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्योंकि देखो हमें सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को सुधारना है। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाके सुधारेंगे, हमें सिस्टम के तरीके से काम करना है, सिस्टम के साथ ही रहना है। आपको IAS बनना है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट IAS बनने के लिए IAS जैसी सोच होनी चाहिए और उसी के मुताबिक हमें काम है वो करना होगा।
देखो आजकल काफी बच्चे ऐसे हैं कि एकदम चलो एग्जाम है यार, अभी तो नहीं है, जून में होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, तो काफी इस टाइम पे ना ढीले ढाले बैठ गए हैं। इससे देखो काफी कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके पास कंटेंट है यूपीएससी के लिए, वो छोटा कंटेंट नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में। और उस कंटेंट को मतलब कि जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको रिवाइज करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है। तो देखो रिवीजन आपके लिए और किसी के लिए भी हो, जो कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रिवीजन बहुत कंपलसरी या मैंडेटरी है, वो हो जाता है। अब रिवीजन के काफी मेथड्स होते हैं। एक तो देखो हमें जैसे कि आज हमने कुछ भी पढ़ा, आज सुबह आपने पढ़ा, तो उस चीज को आप शाम को सोते वक्त 2 मिनट ही लगा लो, चाहिए बस एक बार जल्दी से उसको पढ़ लो कि हाँ ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लिया, बस बन गया काम। इसके बाद में आप उसका वीकली रिवीजन कर लो, वीकली के बाद में मंथली रिवीजन करो, और उसके बाद में दो टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह के थ्रू वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। क्योंकि देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे हैं वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दिसंबर तक तो जी लगा के मेहनत करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे देखो अपने आप प्रेशर फील होता है, वो कॉमन सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मतलब फील नहीं होता, चाहे टॉपर हो कोई भी हो, उस टाइम पे सबको ही प्रेशर आ जाता है। और उसी प्रेशर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो बेटर है कि हम पहले से सब कुछ क्लियर करके रखें, ताकि हम पे प्रेशर आए नहीं। और उसका सबसे अच्छा फंडा यही है कि हम सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलें। देखो अभी तो टाइम है हमारे पास, दिसंबर के बाद नहीं होगा कि यार ये छोड़ दूँ ये छोड़ दूँ, ये रहने देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 2 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से, छोड़ता हूँ, कोई काम की बात नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ आ ही नहीं रहा है, मिडवेल से 2 क्वेश्चन आएंगे, यार बहुत बड़ा पोर्शन है, कौन पढ़ेगा, चल छोड़ो रहने दो। आप ये नहीं देख रहे वो 2 क्वेश्चन ही बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपने वो 2 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब सीधी सी बात है कि 4 मार्क्स आपको सीधे सीधे मिल गए। तो हमें इन चीजों की तरफ फोकस करते हुए चलना है, हमारा जो टारगेट है वो अलग है, और हमें छोटी छोटी चीजों से ही पॉइंट बनाते हुए चलना है। जो देखो कॉमन चीज तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां से तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपको बताऊं कि मॉडर्न हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां से तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट जो बात करें मिडवल, तो बहुत बच्चे मिडवल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ देते हैं, तो वहां अगर हम क्वेश्चन सीख रहे हैं तो हमारे पास चांसेस ज्यादा है ना, कि हम प्री के लिए फिर हम ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि यार नहीं मेरा होगा नहीं होगा, यार 1 महीने वेट करता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट आ जाता है, फिर पता चलेगा मेंस की तैयारी करूँ नहीं करूँ, और उसी में आपका 1 महीना खराब हो जाता है। तो बेटर है कि आप पहले से क्लियर कर रखो, कट ऑफ पता है आपको 110 के बाद 101 से, मतलब ये मान लो कि 100 110 मान लो आप 110 कट ऑफ है, तो उसके मुताबिक पहले से लग जाओ कि यार मेरे को तो 140 मार्क्स नहीं, मुझे नहीं पता चाहे कट ऑफ 5 रहे चाहे 10 रहे, बस ठीक है आपको पता है 140 बन गए, मतलब कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं आपके दिमाग में कि ये मुझे करना है यार, अब मैं करूँ नहीं तैयारी करूँ मेंस की, सब क्लियर हो गया, फिर आप प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो बेटर इन सब चीज़ों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि आप अभी से तैयारी है वो शुरू कर दो। काफ़ी बच्चे हैं वो अभी एकदम ढीले बैठ गए हैं कि यार कोई नहीं आएगा तब देखेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है बहुत सारा, 5-6 महीने पड़े हैं, 10 महीने पड़े हैं, ये पड़े हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम के टाइम पे अपने आप प्रेशर बढ़ता है। तो बेटर ये है कि हम पहले से हर चीज़ों को रिविजन के फॉर्म में क्लियर करके रखें। डाटा देखो आज के टाइम पे बहुत जगह अवेलेबल है, ऑथेंटिक डाटा आपको मिल जाता है, आपको जो बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को फॉलो कर लो, बस इनफ है, ज़्यादा कंटेंट की जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सा कंटेंट चाहिए, आप कोई भी एक मैगजीन है उसकी हेल्प से बस आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। देखो बेसिकली हम करंट अफेयर है ऑलमोस्ट सारा कवर कर लेते हैं, इस साल भी जो क्वेश्चन आए हैं वो अपने करंट अफेयर से ही आए थे, तो करंट अफेयर हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन के फॉर्म में हो जाता है, कोई न्यूज़ आज नहीं हो तो कल हो पाती है। तो उस डाटा को फिर हमें एक तरीके से ऑथेंटिक फॉर्म में देखने के लिए हमें क्या कोई भी एक मैगजीन रेफरेंस के तौर पर यूज कर लेनी चाहिए, कोई भी एक मैगजीन और करंट अफेयर की, उससे हम यूज़ करते हुए हमारे जो भी डाउट्स हैं उनको दूर है या क्लियर है वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है, और इन्हीं बेसिक पॉइंट्स को आपको आगे फोकस करते हुए और आगे जो भी इश्यूज आते हैं उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। खैर अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ। देखो जो गगनयान मिशन है यह अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसे 2022 तक लॉन्च करने की बात है, वो है, तो इसके लिए अलग से लॉन्च पैड वगैरह बनाया जा रहा है। तो इसरो है वो श्री हरिकोटा के अंदर इसके लिए तीसरा लॉन्च पैड है वो तैयार है, वो कह रहा है, ये भी कंटेक्स्ट है वो है, तो कोई बात नहीं, तीसरा लॉन्च पैड जो चौथा हो कोई बात नहीं, ये तो कंटेक्स्ट हो गया, ठीक ठाक है। चलो एक तो ये ध्यान रखना है कि 2022 तक इसे लॉन्च हो किया जाना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो क्योंकि उस टाइम पे 75वीं जो हमारी आज़ादी की एनिवर्सरी होगी उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कुछ हम एक ऐसा इतिहास है वो रचें, और उसी के लिए बेसिकली इसकी गगनयान मिशन की घोषणा है वो की गई है। अहम बात यह है कि इस मिशन की कि इसमें इंडिया है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसको यूज करेगा, मतलब इंडिया का यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इसमें इंडिया इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी है वो कर रहा है,
ये हमें ध्यान में रखना है। प्लान ये किया गया है कि 3 क्रू मेंबर्स हैं इसमें होंगे और उनको लगभग 1 वीक के लिए स्पेस में भेजा जाएगा, वहां पे वो जाके आएंगे। अब अहम बात क्या है कि इंडिया क्या ऐसा पहला कंट्री होगा, तो ऑब्वियसली इंडिया पहला तो नहीं है, इंडिया फोर्थ कंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर यूएसए है, फिर रसिया है, फिर चाइना है। मतलब यूएसए, रसिया, चाइना तीनों ने ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है उसको एक्चुअली स्पेस में भेज दिया सक्सेसफुली। अब चौथे नंबर पे इंडिया इसके लिए ट्राई है वो कर रहा है। अहम बात यह है कि ये जो जो जाए फ्लाइट जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पेस फ्लाइट जाएगी, यह बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत है वो जाएगी, जो कि अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज तक है, वहां तक ये जाके मतलब जाएगी और फिर वहां पे जाके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो किए जाएंगे। अब कौन से व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा वो भी ध्यान रखना है, वो है GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 व्हीकल की हेल्प से इस सेटेलाइट या वो सॉरी इस स्पेस में फ्लाइट को लॉन्च है वो किया जाएगा। इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स है वो भी इसमें अपना कोलाबरेशन रखेगी और इसरो है वो भी अपना कोलाबरेशन यहाँ पे लेके चलेगी। और जिन भी जो मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर 2-3 मेंबर्स की बात जो की गई है, उनके लिए पहले से ही उनको आइडेंटिफाई करके 2-3 साल तक उनको ट्रेनिंग एक्सरसाइज दी जाएगी और इसमें एयरफोर्स भी अपनी हेल्प है वो करने वाली है। तो ये गगनयान मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, बस एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नीला कुरंजी प्लांट के बारे में जाना, जो कि बेसिकली साउथन एशिया में, साउथन इंडिया में पाया जाता है और बेसिकली इंडिया में इंडेमिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक ट्राइब देखी कि तमिलनाडु में एक ट्राइब है जिसका नाम है पालियान ट्राइब, जो बेसिकली इन्हीं एरियाज में रहती है। इसके साथ ही हमने देखा वुमेन सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाए हैं, एक तो है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, दूसरा पोर्टल है नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। इसके साथ ही हमने देखा कि स्वदेशी मॉडल है जीपीएस का है वो इंडिया ने तैयार किया जिसका नाम है UTRAQ। होगा क्या, यह बेसिकली जो भी इंडिया के नाविक सैटेलाइट के तहत सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उन सैटेलाइट से डाटा को रियल फॉर्म में यूज करने के लिए मॉडल का यूज है वो किया जाएगा, लोकेशन को आइडेंटिफाई है वो किया जाएगा। फिर हमने देखा था कि इंडिया ने अपना पहला फास्ट प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर है वो बेसिकली 2019 तक बनाने की बात है वो की है। इसमें सोडियम को ठंडक या शीतलक के तौर पे यूज है वो किया जाएगा और फ्यूल के तौर पे यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज किया जाएगा। कहाँ पे है, तमिलनाडु के कलपक्कम में। तो ये हमने देखा। इसके साथ ही हमने गगनयान मिशन के बारे में जाना जो कि 2022 तक लॉन्च करने की बात है और इसके लिए श्री हरिकोटा अपनी तैयारी है वो अभी ही जुट चुका है उनको लेके। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब आते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हैं और उन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको उनके आंसर चाहिए तो आंसर आपको फेसबुक का जो पेज है welcomeupsc.com वहां से आपको आंसर हैं वो मिल जाएंगे। क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व है, एक तो है अगस्त्य मलाई, एक है नीलगिरी और एक है गल्फ ऑफ मन्नार। इन तीनों बायोस्फीयर रिजर्व को आपको साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करना है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना और फिर उसको अटेम्प्ट है वो करना है। अगस्त मलाई, नीलगिरी और गल्फ और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को साउथ टू नॉर्थ है वो अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन है वो है नोरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मानस, कंचनजंगा और दिहांग दिबांग, ये चार, नोरेक, मानस, कंचनजंगा और दिहांग दिबांग, इन चारों को आपको नॉर्थ टू साउथ है वो अरेंज करना है। तो ये आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने और आपको इनके आंसर हैं वो फेसबुक का जो पेज है welcomeupsc.com वहां से इनका आंसर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।